तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को बहुत बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि गणपति बोले तो मुंबई की जान है जी, उसी पर गाना लेकर आप आए। सबसे पहले शरद सर मैं आपसे जाना चाहूंगा, सबसे पहले गणपति बप्पा बंगाल मूर्ति जी बताइए। आप अभी डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स में नजर आ रहे हैं जी, जितना आपके बाद नॉटिबल मंदिर गणपति जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आपका एक्सपीरियंस इस बार का और कितना सारा प्यार मिल रहा है? यार एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा ही रहता है क्योंकि आइडिया है कि कुछ अलग करें हमेशा, और शुरू से ही डे वन से जब से मैं बॉम्बे आया हूँ कोशिश रही है कि कुछ अलग करें कुछ डिफरेंट करें। लकीली लोग भी ऐसे मिले जो मेरे साथ कुछ अलग करना चाहते थे, तो इनके साथ भी हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं हमारे अक्षय, आई थिंक इनके साथ भी मुझे मौका मिला कि गणपति का गाना शूट करें। बहुत अच्छा शूट हुआ, बहुत मज़ा आया, बहुत नचवाया भी इन्होंने मुझे उस दिन। बहुत गर्मी भी थी, आई थिंक कब हमने शूट की, मई में, अप्रैल में, मई में शूट किया हमें, तो बहुत अच्छी गर्मी थी और लेकिन बहुत मज़ा आया। आई थिंक गणपति का जब भी हम कुछ भजन करते हैं या डांस करते हैं या गाते हैं तो अपने आप ही एक जोश जो है सब में आ जाता है, तो कमाल का एक्सपीरियंस रहा है। तो बात करें बिहाइंड द सीन की तो किस तरीके का शूट रहा जी, और क्या मेमोरीज रही और क्या मस्ती मजाक रहा जो अभी भी सोचिए याद आता है? जैसे मैंने अभी कहा यार बहुत अच्छा शूट रहा, और मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था कशिश फिल्म्स के, कशिश जो म्यूज़िक लेबल्स के साथ और अक्षय पाजी के साथ और पूरी टीम के साथ। एक कहते हैं ना कि मतलब एक ही दिन में आई थिंक हमने शूट किया और सुबह से लेकर रात तक कमाल का एक्सपीरियंस रहा यार। मतलब जो जोश था वो सुबह से लेकर रात तक सबका जो सेम था, बिल्कुल ड्रॉप नहीं हुआ, जो एनर्जी थी जो वाइब जो थी बहुत बहुत मज़ा आया। आई थिंक मेरे लिए पहला गाना है जो गणपति का मैंने किया है, तो मेरे लिए तो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। बाकी तो आई थिंक अब सर बोलेंगे कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। आप बताइए आप मतलब किस तरीके जिस तरीके से बता रहे हैं कि गाना शूट हुआ, आपने खुद ने नचा, अगर तो आप एज ए डायरेक्टर भी आपके पास भी बहुत सारे थॉट्स हैं क्योंकि मुंबई में हर गली में हर जगह पर एक नए तरीके गणपति बैठे एक नया जोश दिखता है, करेक्ट, इन सब चीज़ों के बीच में से अपने गाने को अलग बाहर निकालना इट्स ग्रेट थिंग फॉर यू बीइंग अ डायरेक्टर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सो जब हमारे पास ये सॉन्ग आया गणपति का तो हम लोग बहुत खुश थे कि फाइनली मेरे लिए एक मतलब अच्छी चीज़ थी कि मैं गणपति का गाना कर सकता हूँ, मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हुआ। और जैसे सर ने बोला कि उनको चांस नहीं मिला, हमें चांस मिला सर काम करने के लिए, तो हम बहुत खुश थे कि चलो शरद सर हमारे साथ काम करें, दोनों चांस मिला एक दूसरे काम करने। सो हम बहुत खुश थे। अच्छा उस दिन धूप बहुत गंदी थी, इतनी गर्मी थी कि हमें टॉप सन में शूट कर रहे हैं, इतना होता ना ऐसे कि वो ऐड आता था कि पाइप लेके सन चूस रहा है हमें, वैसा वाला हमने रील में फील किया। और उसके बाद रात को बारिश हो गई, फिर हम लेट होना शुरू हो गए। सबसे जो मुझे सर की अच्छी बात लगी ना कि अगर मैंने बोला सर एक टेक और ले लें यहाँ से, तो उन्होंने कभी मुझे मना नहीं करा। ऐसे कभी कभी होता है कि एक्टर थक रहा है यार, इतनी गंदी धूप हो गई या फिर बारिश हो रही है या फिर प्रॉब्लम्स हो रही है, बट ये इतनी एनर्जी में थे कि हमें इतना मज़ा आ रहा था कि चल सर एक ये भी ले लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि एक्टर थक जाता है, डांसर्स जोश में होते हैं, डांसर्स थक गए थे हमारे बैकग्राउंड वाले, लेकिन सर की जो एनर्जी थी उससे हम एक्चुअली में बहुत मज़ा आ रहा था काम करके, और इसलिए हम एक अच्छा वीडियो भी बनाते हैं। देखिए मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि मैं उन लोगों के साथ काम करता हूँ जिनमें बहुत ज़्यादा पैशन होता है, एनर्जी होती है और भूखे होते हैं काम के लिए, क्योंकि काम तो सब लोग ही करते हैं, आप लोग भी करते हैं, आप सब करते हैं। तो इनके साथ मुझे लगा कि ये इंसान जो है पहली बार हमारा एक कोलैबोरेशन था, और इनको भी था कि एक और लेते हैं, एक और लेते हैं, एक और लेते हैं, तो आई थिंक वो एक और में ना हमेशा अच्छी चीज़ निकल आती है। तो अगर ये बोलते हैं हाँ ओके डन 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 ओके टेक नेक्स्ट टेक ये नेक्स्ट शॉट, तो मुझे भी लगता है चलो नेक्स्ट शॉट ठीक है, बट ही वॉन्टेड मोर। तो आई थिंक वो मोर के चक्कर में हमेशा एक्टर भी चाहता है कि ज़्यादा हमेशा और अच्छा करे, कुछ डिफरेंट करे। तो जी जी मेरे घर पे आते तो वो आप लोग तो आएंगे मेरे घर पे, हर साल आते हैं जी, मैं क्या बोलूँ कितना अटैच हो। अरे यार बिल्कुल, इस बार तो बहुत स्पेशल है बिकॉज आई थिंक गाना हम लोग लेकर आए हैं, और हर साल ये आई थिंक मेरा 12th ईयर है शायद मेरे घर पर आएंगे पापा, और हम सबको जैसे अभी आपने भी कहा कि हम सबके लिए पापा क्या हैं, हम सबको ही पता है मन में, कोई बोलता नहीं है बट चुपचाप बस देखते रहते हैं उनको। तो कितने चेहरे हैं जो हर साल मेरे घर पे आते हैं, कुछ नए नए चेहरे भी हैं जो इस साल आएंगे। तो मैं भोले बाबा का भक्त हूँ, तो पापा जो है उनका अंश हैं, तो अब और क्या बोले यार, मतलब जिस तरीके से सर आप कर देंगे विघ्न हरता है, बिल्कुल बताया बारिश बताइए जिस तरीके से उनको दिया गया कि है विघ्न हरता, तो सारे विघ्न उन्होंने दूर कर दिए।
जी। लेकिन शरद सर के अगर साथ का एक्सपीरियंस अगर आप बताना चाहें तो किस तरीके के मतलब एज एन एक्टर ये है जब आपने काम किया तो कैसा रहा इनके साथ का तजुर्बा? मैं वो बता रहा था कि पता है एक एक्टर का कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है सेट पर, ठीक है, और वो एनर्जी और वो गुड वाइब्स बनाना, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम बैठे कैमरा के पीछे हम लोग के माइंड में थॉट्स है कि हमें यही एग्जीक्यूट करना है, बट अगर एक्टर हमें वो एनर्जी दे रहे हैं ना कि यार करो ना कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं ना एक बार बढ़िया से अच्छे तरह से करते हैं, और वो आइडियाज़ भी दे रहे हैं, अक्षय भाई काम करते हैं कैसे भी करके देखते हैं, तो वो जो एक पॉजिटिविटी मिलती है ना आपको, तो आप अगर 100 सोच कहते हैं आप तो 500 बना के जाते हो, ठीक है। अगर एक्टर ही वो चीज़ ना करे तो हम इतने खुश थे और हम लोग पैकअप के बाद भी हमने 15-20 मिनट बैठ के तारीफ भी करी इनकी कि यार इनके जाने के बाद, क्योंकि तारीफ वही जो पीठ पीछे की जाए सामने सब कर देते हैं, और हमने वही करा कि अगर अभिषेक ठाकुर जो सर है हमारे जो प्रोड्यूसर सर है अभिषेक सर, हाँ करेक्ट, वो उनको बड़ा पसंद था कि भाई मैंने इनको इनको कास्ट करना है, अक्षय प्लीज इसको ट्राई करो, तो हिमांशु है हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हिमांशु मिश्रा, फिर उन्होंने इसे सर को कॉन्टैक्ट किया और फिर यू नो हम एक चीज़ बना पाए। सो एक विजन था हमारे प्रोड्यूसर सर का अभिषेक जी का, तो कि हमें शरद जी चाहिए क्योंकि वो एक लुक एक वो होता है ना एक गणेश जी को हम ऐसे यू नो गाना बना रहे हैं उनके ऊपर, तो एक वैसा एक चेहरा जो सर, हाँ इनोसेंस बेसिकली मैं इनोसेंट और स्वीट, बिल्कुल जोर से बोले यार ऐसी बातें जोर से बोलनी चाहिए। नहीं नहीं बट आई थिंक मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं जैसे मैं आया टीम में और फिर एक साथ में सब जुड़े और सबके इंटेंशन था कि अच्छा काम हो अच्छा गाना बने। अभिषेक सर चाहते थे कि आई थिंक वो उन्होंने शायद गाना लिखा भी है, हाँ, सबसे कमाल की बात है जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो लिखते भी बहुत अच्छा है, तो उन्होंने म्यूजिक कंपोज भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करा और वो करेक्ट, उन्होंने एक्चुअली अपने सारे बैंक में सबसे पहले गाना ये बनाया था जी, तो वो उसको शूट नहीं कर रहे थे कि यार जब मुझे सब सही समझ में आएगा तब मैं इसको शूट करूँगा, बाकी आप करो मेरे गाना शूट, बस इसके लिए वो एक सही वेट कर रहे थे, तो जब उनको लगा कि हाँ ये सेटअप ठीक है ये करते, सो वैसे फिर ये प्रोसेस शुरू हुआ। गाने की इतनी बात हो रही है तो दो लाइन तो बनती है गाने। भाई मैं एक्टर हूँ, आप लोग ने गाना सुना है, आपने गाना सुना है तो आप लोग गा सकते हैं थोड़ा बहुत। नहीं आई थिंक देखिए मैं इतना कहूँगा कि गाना डेफिनेटली जब गाना स्टार्ट भी होता है तो जब उन्होंने ऑडियो भेजा मुझे मन वो क्या बहुत ही अलग ऑडियो था, बहुत डिफरेंट था, तो आई थिंक एक पहली बार जब मैंने ऑडियो सुना तो मैंने कहा यार ये तो बहुत डिफरेंट साउंड कर रहा है, मन भजलू तो मैंने कहा ये कौन सा मतलब क्या है ये। फिर उसके बाद जब गाना पिकअप करता है और जब टेम्पो बढ़ता है जब बाद में ट्यून बढ़ती है मेलोडी लिरिक्स आई थिंक सब कुछ इतना हाई वो क्रिसेंडो जाता है एंड में, और फिर वहाँ पे गणपति की बहुत बड़ी एक उन्होंने मूर्ति भी थी कुछ आई थिंक 15-20 फीट की, तो उनको देखकर भी सब लोग बस देख रहे थे कि तो एक पूरा जो माहौल बनाना, फिर अपने आप सब लास्ट में गा रहे थे सब नाच रहे थे, और आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट रात को आई थिंक कुछ 2-3 बज चुके थे, हम सुबह से शूट कर रहे थे, बट वो एनर्जी किसी की कम नहीं हुई यार, वो कमाल की चीज़ थी। जैसे अभी आपने कहा कि बापा जब अगले हफ्ते से बापा जो हैं उनका आगमन होने वाला है, उनका स्वागत हम सब करेंगे, तो वो एनर्जी वैसी होती है, वो कभी कम नहीं होती, फिर वो पूरे 11 दिन वो एनर्जी वैसी रहती है। तो ये गाना हम तब गाएंगे आपके लिए जब आप हमारे घर आएंगे, आरती के साथ में गाना जी, आरती के साथ पहले वही प्ले करेंगे उसके बाद जी। जैसे कि सर अभी बात करो अगर OTT प्लेटफॉर्म की, जी नए प्रोजेक्ट्स आएंगे OTT में, हमने आपको एज एन हनी ट्रैप में देखा है, फिर गाना सुना जी, अभी नए प्रोजेक्ट्स में कहां देखें क्योंकि आप नए जॉनर्स ट्राई करें डिफरेंट जी, अब क्या कुछ नया लेकर आएंगे आप हम सभी के लिए? बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल सही कहा आपने, आई थिंक मुझे नया ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है, और हालांकि डर होता है रिस्क होता है, लेकिन जब रिस्क नहीं तो फिर बात ही क्या है, और छोटे से बड़ा कुछ करने के लिए डार्लिंग रिस्क तो लेना पड़ता है ना, तो क्या आएगा फिर भी नहीं आई थिंक मेरी 2-3 चीज़ें मैं उन पर काम कर रहा हूँ अभी, होपफुली बहुत जल्द आप लोग को पता लगेगी, मैं चाहता हूँ कि वो कल ही पता लग जाए आज पता लग जाए, लेकिन थोड़ा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आप बताइए आप क्या कर रहे हैं, ये ऐसा सवालों में सब वेट करते हैं कि आप बोले नहीं बोले जी आई एम श्योर आप भी कुछ चीज़ों में अभी हम कुछ डिस्कस ही कर रहे थे, आई थिंक OTT हो गई या आई थिंक फिल्में हो गई, तो आई एम श्योर एज अ डायरेक्टर ही इज आल्सो वर्किंग ऑन सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, सो करंटली अभी आई एम वर्किंग ऑन सो मेनी एड्स एंड म्यूजिक वीडियोज अभी, और बाकी सीरीज पे भी काम चालू है, सो बहुत जल्दी कुछ
कर पाए तो बिल्कुल सबको पता लगेगा, और फिर आप लोग ही वहीं पर होंगे तो सब पता लग ही जाएगा। इसी के साथ जल्दी गणपति आना, तो आप ऑडियंस फैंस के लिए क्या शुभकामनाएं देंगे इस गणपति? बस यार सर आप दीजिए पहले, हमें से पढ़े चलिए। नहीं नहीं अरे प्लीज बस आई थिंक हम दोनों, मैं और अक्षय सर अरे सिंह, बस ये कहना चाहते हैं कि विघ्नहर्ता हैं जितने भी हमारे कुछ भी विघ्न हो हमारी पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में, बापा दूर करें और खुशियाँ लाएँ। आई थिंक वो एक्साइटमेंट अभी से स्टार्ट हो गई है, स्पेशली आई थिंक महाराष्ट्र में, जब से मैं आया हूँ बॉम्बे मुझे कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ 17-18 साल हो गए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि वो एनर्जी जो है भाई इतनी ज़्यादा है ना कि मैं अभी से इतना एक्साइटेड हूँ। क्योंकि मुझे याद है मैं पिछले हफ्ते मैं गया था बापा को, जब हम जाते हैं उन्हें बुक करने कि हम ये बापा घर लेकर आएंगे, तो बहुत सारे होते हैं वहाँ पे, 1000-2000 बापा होते हैं, उनमें से फिर एक पे नज़र टिकती है, तो मैं हमेशा कहता हूँ हमारी नज़र नहीं टिकती है, वो उनकी नज़र हम पर टिकती है, तो हमेशा उल्टा होता है, हमें लगता है अरे नहीं हम इनको लेके जाएंगे, नहीं नहीं वो हमारे घर आ रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है जो स्टार्ट हो चुका है, फिर कल मेरे घर पे लोग आएंगे वो डेकोरेशन के लिए, वो देखने के लिए कि कितना मेजरमेंट होगा, तो आई थिंक वो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर घर पे जो हम क्या प्रसाद बनाएंगे, तो आई थिंक वो पूरा एक जो एक 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 बहुत ही कमाल की जो एक बोलते हैं ना पूरी जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। सो आई एम होपिंग कि बस अभी अगले हफ्ते तक पूरा ढोल बाजे के साथ हम पापा को लेकर आएंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू। इस तरीके से आपने ओपनिंग की थी गणपति बापा के साथ, मैं चाहूंगा एंड भी उसी तरीके से सर एंड आप कीजिए। गणपति बापा बोरिया मंगल मूर्ति।